आज तीसरा T20 मुकाबला खेला गया विशाखापट्टनम में, जो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में था, और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 48 रनों से जीतकर इस श्रृंखला में कम से कम वो चीज बरकरार रखी कि अभी भी उन्होंने हथियार नहीं डाले, 2-1 का मामला आ गया है। हालांकि अगला जो मुकाबला है वो बिल्कुल कठिन होना होगा, क्योंकि वैसे देखिए अब इंडिया को हर मुकाबला जीतना है अगर ये सीरीज उनको जीतनी है, या इवन इस मैच में वो इस सीरीज में वो रोमांच बरकरार रखना है। चलिए रोमांच को बरकरार रखते हुए हमारे साथ अब आ गए हैं निशात भाई। और निशात भाई, जिस तरह से मुकाबला हम उम्मीद तो कर रहे थे लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वाकई में एक मौका जो मिला है भारतीय गेंदबाजों को उसका पूरा फायदा वो उठा पाएंगे, पर चल गया, आखिरकार उन्होंने वही अनुशासित गेंदबाजी की फायदा उठाया और उसके समक्ष जो बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से धाराशाही होते हुए दिखाई दी। जी, और जिस प्रकार इन्होंने कंडीशंस का इस्तेमाल किया मेरे ख्याल से वो सबसे इम्प्रेसिव बात थी, और खास करके युजवेंद्र चहल 3 विकेट लेते हुए इनकी वजह से, इनके बदौलत जो है साउथ अफ्रीका को मोमेंटम ही नहीं मिला और इसी के साथ वो जीत पाए। और मैं कहूंगा कि जो प्रश्न चिन्ह उठे थे साउथ अफ्रीका सॉरी भारत के गेंदबाजी पर, इस मैच से तो ये तो एक पता लगता है कि they are willing to learn, they are willing to adapt, और हमने ये भी देखा कि भारत की जो सेकेंड हाफ थी उनके उनके बैटिंग की कैसे पिच थोड़ी स्लो डाउन हुई थी और वही कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना, भुवनेश्वर कुमार अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, काबिले तारीफ। और वहीं पर हर्षल पटेल की बात करें तो उनके विषय में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक बहुत ही पेनिट्रेटिव बॉलर है, नहीं वो पेनिट्रेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत स्मार्ट है और उनकी जो स्लोअर वन की जो कॉम्बिनेशन है तेज गेंदों के साथ वो उन्हें अक्सर फायदा करती है। हालांकि मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, जो उन्होंने IPL में यॉर्कर्स डाली थी वो यॉर्कर फिलहाल 3 मैचेस में मुझे नहीं देखने को मिली है, जो उनका एक बहुत बड़ा वेपन हुआ करता था। लेकिन पर चलिए, फिर भी आज उनकी गेंदबाजी अच्छी रही, 4 अहम बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया जो इस मैच में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण रहा।